to your next meal. Get up to 60% off and free delivery all you want. Little Bit Bigger, one of the largest assortments of mixes. चलिए, गुड इवनिंग साथियों, सभी को जोहार। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का करियर फाउंडेशन परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल हम लोग स्टार्ट किए थे एक नया चैप्टर जिसका नाम है झारखंड की जनजातियां। कल जिस लय में मैं क्लास ले रहा था, अचानक से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, कुछ एनर्जी का प्रॉब्लम हो गया, जिस वजह से बीच में मुझे बंद करके जाना पड़ा। बट आप लोगों को चिंता नहीं करना है, कल वाली जो भी चीजें आपको पढ़ाई गई थी, अगले 10 से 15 मिनट में हम वो सब पूरा रिवाइज कराएंगे। उसके बाद आज हम लोग जो मुख्यतः पढ़ेंगे वो संथाल जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। तो बड़े ध्यान से, गौर से इस लेक्चर को सुनना है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि सभी महत्वपूर्ण बातें इस क्लास के अंदर ही आपको याद हो जाएंगी, ठीक है? तो दोस्तों, जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग, लाइक सभी लोग को शेयर कर दीजिए, और जितने भी लोग लाइव जुड़ चुके हैं इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है साथियों? चलिए फटाफट जुड़िए। हाँ, और आप सभी दोस्त जो भी जेएसएससी सीजीएल बैच में जुड़े हैं या जेपीएससी का जो बैच बना है 11 जेपीएससी का, उसमें जुड़े हैं, तो आप लोग का क्या होता है ना कि आप लोग एप्लीकेशन से कोर्स परचेज कर लेते हैं, लेकिन ग्रुप डिस्कशन जो टेलीग्राम में होता है उसमें आप लोग नहीं जुड़ते हैं, जिस वजह से आप लोग सोचते हैं कि सर कनेक्टेड नहीं है। तो आप लोगों से आग्रह है, आप लोगों से निवेदन है कि जितने भी लोगों ने पेड कोर्स परचेज किया है 11 जेपीएससी के लिए या जेएसएससी सीजीएल के लिए, आप लोग के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है। उस टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग अवश्य जुड़ जाएं, वहां आप लोग डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, ठीक है? बहुत जल्द हम ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जिससे आप लोगों को यह महसूस ना हो कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस या रिकॉर्डेड क्लासेस देख रहे हैं, ठीक है? सारे डाउट्स भी आपके क्लियर होंगे। हम समय समय पर आप लोगों से लाइव जूम मीटिंग के थ्रू भी जुड़ेंगे और आपके सारे डाउट्स भी लेंगे। तो फटाफट इस वीडियो को शेयर कीजिए, हम लोग टॉपिक की शुरुआत करेंगे। देखिए, प्रीति शर्मा का कहना है कि जो टॉपिक पेड कोर्स लिए हैं उनको देखो, पेड कोर्स में पूरी कंप्लीट कोर्सेस चलते हैं। ये आप लोग मत दिमाग में बैठाओ कि पेड कोर्स लिए हैं तो यूट्यूब में क्यों पढ़ा रहे हैं। सर, यूट्यूब में पढ़ाना ये मेरा पर्सनल ये है, हम क्यों पढ़ाते हैं ये हम जानते हैं, किन किन लोगों तक पहुंचना है, किस प्रकार से पहुंचना है ये हमें पता है। आप लोग ये सजेशन ना दे कि आप हम पेड कोर्स लिए तो यूट्यूब में क्यों पढ़ा रहे हैं, है ना? क्योंकि आप लोगों को पेड कोर्स में कंप्लीट सिलेबस मिलता है, आप लोगों को पेड कोर्स में कंप्लीट पीडीएफ मिलता है, आप लोग के लिए डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है, वहां पे आप लोगों को डाउट सेशन भी कराया जाएगा, वहां पे आप लोग को टेस्ट भी लेंगे। तो इतनी सारी फैसिलिटी दे रहे हैं आप लोग को, फिर भी आप लोग क्यों सोचते हो कि फ्री में क्यों पढ़ा रहे हैं? ये सब मेंटेलिटी मत रखिए। कभी भी एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा सक्सेस होने वाला स्टूडेंट इस तरह की मेंटेलिटी नहीं रखते हैं। यूट्यूब में क्यों पढ़ा रहे हैं ये मेरा पर्सनल मैटर है। आप लोग शायद नहीं जानते हैं कि YouTube में सिर्फ 20-30% तक ही हम लोग पढ़ा पाते हैं, है ना? जो पूरा सिलेबस होता है ना, YouTube में पॉसिबल ही नहीं होता है, समझे? तो इसीलिए YouTube में 20-25% ही सिलेबस हम लोग करा पाते हैं। YouTube में ज्यादातर प्रैक्टिस कराते हैं, ऐप में कंप्लीट सिलेबस का कोशिश रहता है कि वहां पे आपको कंप्लीट सिलेबस और पीडीएफ मिल जाए, ठीक है साथियों? तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक नए अंदाज में। जितने भी लोग ऐप में नहीं जुड़े हैं, आप लोग करियर फाउंडेशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। 11 जेपीएससी के लिए नई बैच शुरू हो गई है और उसकी मेंस के भी शुरू हो गई है, पीटी की भी शुरू हो गई है। जेएसएससी सीजीएल की तैयारी लगातार चल रही है ऐप में, वहां पर सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं झारखंड की जनजातियां। पहले कल वाली बातों को रिवाइज करते हैं। कल आप लोगों को मैंने बताया था जनजाति किसे कहते हैं, है ना? ट्राइब किसे कहते हैं? तो आप लोग भी बताए थे हमें कि ट्राइब किसे कहते हैं, जनजाति किसको कहा जाता है, ठीक है? तो दोस्तों, ऐसे लोग जो सभ्यता के प्रभाव से वंचित रह गए, समझे? ऐसे लोग जो सभ्यता के प्रभाव से वंचित रह गए, क्या बोल रहे हैं?
देखिए कल, देखिए बहुत टाइम लगता है, कल वाला रिवीजन कराते हैं, लिख लिख के पढ़ाएंगे दोनों चीजें, आप लोग को रटवा देंगे, आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ जाएगी, आप चिंता ना करें, ठीक है। तो ऐसे लोग जो सभ्यता के प्रभाव से वंचित रहकर, सभ्यता बदलती गई, प्रभाव उसके पड़ते गए समाज के अलग अलग तबकों में, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन पर प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। तो सभ्यता के प्रभाव से वंचित रहकर अपनी प्राकृतिक वातावरण, है ना, जो भी उनका प्राकृतिक वातावरण में रहते थे उनके अनुरूप जीवन यापन करते हुए अपनी जीवन पद, अपनी जीवन पद्धति, अपनी भाषा, अपना संस्कार, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही, कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरी आवाज तो पहुंच रही है ना, हाँ चलिए ठीक है। हाँ, तो अपनी जीवन पद्धति, भाषा, संस्कार और व्यवसायों को अक्षुण बनाए हुए हैं, उनको जनजाति या आदिवासी कहते हैं। ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गया, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, सवाल कहाँ कहाँ से बनता है आप लोग को स्टार मार्क कराते हुए जाएंगे कि क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में कहाँ कहाँ से बनेगा। ये हो गया सिंपल डेफिनेशन कि जनजाति किसको कहते हैं, ठीक है। कल भी इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, जनजाति उन प्राचीनतम जन समूहों में से है, प्राचीन काल से ही लोग मतलब जीवन यापन करते रहे हैं, उसमें से जनजाति उन प्राचीनतम जन समूहों में से है जो भारत के दीर्घकालीन इतिहास के दौरान समय समय में स्थानांतरित होते आए हैं विभिन्न घटनाक्रमों की वजह से। जैसे कल आपको बताए थे कि उत्तर भारत में जब आर्य आए तो उस जगह से जो जनजाति थे वो स्थानांतरित होके झारखंड के जंगलों में, पहाड़ियों में आकर बस गए। तो इनका जो निवास स्थान ज्यादातर रहा वो जंगलों में रहा, पहाड़ों पे रहा, नदियों के तटों पे रहा, है ना, उबड़ खाबड़ स्थानों पे रहा, जिस कारण ये स्थायी कृषक नहीं बन सके अब तक, है ना। हालांकि कुछ जनजातियां जैसे कि संथाल, उराव, मुंडा हो, ये सब कुछ जनजातियां हैं जो स्थायी कृषक बन चुके हैं, जो जिनकी आबादी अधिक है, जो एक जगह स्थायी हो चुके हैं, वो सब स्थायी कृषक बन चुके हैं, ठीक है। तो इनका रहन सहन ऐसे जगह पर होता था जिस जगह पर स्थायी कृषि पॉसिबल नहीं होता था, ठीक है। तो झारखंड में आखिर जो आदिवासी बसे हैं, जो जनजाति बसे हैं, वो कहीं ना कहीं से आ करके बसे हैं। उत्तर भारत वाले जनजाति जो हैं वो आर्यों के दबाव के कारण झारखंड में आके प्रवेश कर गए, झारखंड में रहने लगे। अगर हम बात करें उराव जनजाति की तो ये दक्षिण भारत में रहा करते थे, ये दक्षिण भारत से शिफ्ट करके झारखंड में आके प्रवेश कर गए, ठीक है। उसी तरह से अलग अलग जनजातियां जो है वो यहां पर आकर के रहने लगे, ठीक है दोस्तों। यहां तक कोई समस्या नहीं ना, एक बार आप लोग सब लोग लिंक को शेयर कीजिए, सब लोग जुड़ जाइए फटाफट। अब चलिए ये हो गया सिंपल वाली बात, जहां से सवाल तो नहीं बनेगा, आप लोग को जानकारी होना चाहिए। अब ये वाला यहां से सवाल बन सकता है, ये स्टार मार्क कर लो, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में चाहे आप जेपीएससी दे रहे हो, जेएसएससी दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यहां से सवाल बन सकता है। क्या बोलेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जनजातियों की जनसंख्या कितनी है, है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जनजातियों की जनसंख्या कितनी है, ये पूछा जा रहा है साथियों। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में जनजातियों की जनसंख्या 86,45,042 है, ठीक है। ये डेटा आप लोग याद रखिएगा, कितना, 86,45,042 है, जो कि झारखंड के कुल पॉपुलेशन का, झारखंड का टोटल पॉपुलेशन कितना है मेरे दोस्त बताओ जल्दी से, टोटल पॉपुलेशन कितना है, 3,29,00,000 है ना, तो उसका कितना प्रतिशत है, तो इसका 26.2% है। तो ये दोनों डेटा याद रखना कि झारखंड में जनजातियों का पॉपुलेशन कितना है, 86,45,042, और जो कि झारखंड के टोटल पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत है, तो 26.2% है। अप्रोक्स में याद करना चाहो तो 1/4 से थोड़ा अधिक है, है ना, 1/4 से थोड़ा अधिक है, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए, कल कुछ लोगों ने बोला था सर क्लास स्लो हो गया, मैं लिख के पढ़ा रहा था तो क्लास थोड़ा स्लो हो रहा था, तो मेरा यही मानना है कि आपको याद होना चाहिए, मेरा मकसद यही है कि आपको क्लास में याद होना चाहिए, कम समय में ज्यादा कंटेंट दिमाग में जाना चाहिए। तो आज मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं, एक ही चीज को बार बार रिपीट करूंगा तो याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए झारखंड में ना जनजाति आखिर पूछेगा कहां निवास करता है,
ठीक है, कहां निवास करता है? कल वाली बातें अभी हम बता रहे हैं, अभी कोई नई बात नहीं बताए हैं। जो नए जुड़े हैं वो लोग चिंता मत करिएगा, कल वाला क्लास का रिवीजन करा रहे हैं, फिर हम लोग संथाल जनजाति के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो झारखंड में लगभग सभी जिलों में जनजातियां हैं, है ना, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जनजातियों का संकेंद्रण सबसे ज्यादा है। कल भी आपको मैपिंग के थ्रू बताए थे कि जनजातियों का संकेंद्रण सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के बॉर्डर में और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में, हालांकि उड़ीसा के बॉर्डर में भी कम नहीं है, लेकिन सर्वाधिक संकेंद्रण की बात करें तो पश्चिम बंगाल के बॉर्डर वाले जिले और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर वाले जिले में जनजातियों का संकेंद्रण सबसे ज्यादा है। अब आप बोलोगे कैसे सर, पश्चिम बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में कैसे है? तो आप खुद सोच लो ना, संथाल परगना के लगभग सभी जिले, लगभग मैं बोल रहा हूं, सारे जिले नहीं, लगभग सभी जिले, चाहे आप साहेबगंज ले लो, चाहे आप दुमका ले लो, चाहे पाकुड़ ले लो, चाहे जामताड़ा ले लो, ठीक है, इन सब जिलों में बहुत ज्यादा आबादी है जनजातियों की। ठीक है, उसके बाद आ जाओ इधर रांची जिला में, सबसे ज्यादा आबादी है जनजातियों की, है कि नहीं। उसके बाद आप ले लो सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, सभी जगह भारी मात्रा में है। उसी तरह से आप इधर चले जाओ छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में, तो वहां पे सिमडेगा जिला हो गया, गुमला जिला हो गया, भर भर के यहाँ पे जनजाति लोग निवास करते हैं। तो ये आप लोग को याद रखना है कि पश्चिम बंगाल का सीमावर्ती और छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती, उन लोगों को पढ़ने में ज्यादा मजा आता है मेरा क्लास, जिनका मैप वाला क्लास देख चुके हैं, ठीक है, या मैप जिनके दिमाग में है। जब भी हम बात कर रहे हो सीमावर्ती किसी डिस्ट्रिक्ट की, किसी क्षेत्र की, तो जिनको जिनको मैप याद आता है ना, वो लोग को बहुत आसानी से याद होता है। तो पहले तो आप लोग चाहे झारखंड भूगोल पढ़ रहे हो, चाहे झारखंड की जनजाति पढ़ रहे हो, चाहे झारखंड का इतिहास पढ़ रहे हो, चाहे झारखंड का कुछ भी पढ़ रहे हो, पहला टॉपिक आपका क्या होना चाहिए कि झारखंड के मानचित्र को दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, इतना अगर आप कर लोगे तो आपको आसान हो जाएगा पढ़ना, आपको बहुत ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा, आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अच्छा लिख रहे हैं बगल में होकर बोलिएगा सर, चलिए ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आ गई कि झारखंड में सभी जिलों में है लेकिन कुछ क्षेत्रों में ज्यादा है। अब देखो सर्वाधिक, कल भी हम आपको याद भी करवाए थे कि झारखंड में सबसे ज्यादा जनजाति कौन कौन से जिलों में है, है ना, बता सकते हैं क्या आप लोग एक बार, बताइए जल्दी से। अरे भाई कल भी हम आपको याद कराए थे कि रांची एक नंबर पर है, हम जनसंख्या में बात कर रहे हैं, हम प्रतिशत में भी बात नहीं कर रहे हैं, जनसंख्या में बात कर रहे हैं। तो रांची जिला में सबसे ज्यादा है, उसके बाद दूसरा नंबर में आता है कौन सा मेरे दोस्त, तो दूसरे नंबर में पश्चिमी सिंहभूम आता है, तीसरे नंबर में गुमला आता है, चौथे नंबर में पूर्वी सिंहभूम आता है और पांचवें नंबर में दुमका आता है। बोलो याद है ना सबको, थैंक यू कुमार अभिषेक। ठीक है, तो ये पांचों चीजें याद रख लो, पांचों कहां पे सबसे ज्यादा जनजातियों की आबादी है। ट्रिकी वे में याद रखना चाहते हो तो रांची, रांची तो दक्षिणी छोटे नागपुर में है और पश्चिमी सिंहभूम कोल्हान में है, फिर गुमला दक्षिणी छोटे नागपुर में है, पूर्वी सिंहभूम कोल्हान में है, ठीक है, और लास्ट में एक दुमका जोड़ दो। तो दोस्तों एक तो राजधानी वाला जिला, एक लास्ट में उप राजधानी वाला जिला, पहला और पांचवा नंबर क्लियर, बीच में पश्चिमी सिंहभूम, गुमला और पूर्वी सिंहभूम, आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग पे लोड ज्यादा नहीं देना है, ठीक है, बस लॉजिकली याद रखना है। तो ये पांच जिले हैं साथियों जहां पर जनजातियों की आबादी क्या है, सबसे ज्यादा है जनसंख्या के आधार पर। अब आप बोलोगे कि सबसे कम कहां है सर, तो सबसे कम है कहां, कोडरमा में, है ना, कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, देवघर, पलामू, बोलो याद हुआ कि नहीं, कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, देवघर, पलामू, ये पांच जिले ऐसे हैं जहां पर जनजातियों की आबादी सबसे कम है। ठीक है, याद हो गया, कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, देवघर और पलामू, ये पांच जिले हैं जहां पे जनजातियों की आबादी जो है दोस्तों सबसे कम है। ठीक है, अब संविधान की बात करें तो आखिर किसी को भी,
देखिए अर्जुन दास जी, आपका सवाल है, बाकी लोग भी दिमाग में होगा कि सर जेपीएससी पीटी में करियर फाउंडेशन में एडमिशन ले लिया हूं, नोट्स बनाना जरूरी है क्या? देखो हम लोग तो प्रयास करते हैं कि आप लोग को हम कंटेंट पीडीएफ प्रोवाइड कर दें, लेकिन अगर आप सीरियस थोड़ा स्टूडेंट है ना, नोट्स अपना जरूर बनाइए, ठीक है? हमारा नोट्स आपको कंप्लीट नोट्स तो मिल ही रहा है, लेकिन आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, कम से कम एग्जाम के टाइम रिवीजन करने के लिए आपके पास एक ऐसा नोट्स होना चाहिए जिससे कि एक दिन में कम से कम 10 चैप्टर 15 चैप्टर रिवाइज हो जाए, समझ रहे ना? तो आप लोग नोट्स अपना शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए, जो चीजें याद रखने में दिक्कत आती है, जो चीजें थोड़ा सा क्या होता है कि थोड़ा कंसेप्चुअल है, जो बार बार दिमाग से निकलने वाली चीजें हैं, उन सब चीजों को नोट्स के रूप में आप लोग अपने नोटबुक में शामिल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों? चलिए, याद कैसे रहेगा, पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो न्यूनतम जनजाति वाले 5 जिले बता दो भाई। तो न्यूनतम जनजाति वाले 5 जिले आपको याद हो गया, हम अब बात कर रहे हैं संविधानिक प्रावधान की। तो आखिर कैसे कैसे किस अनुच्छेद के अनुसार जनजातियों का निर्णय होता है कि कौन अनुसूचित जनजाति है या आदिवासी है? तो दोस्तों झारखंड में ना टोटल जो 32 जनजाति है, एक ही बार में 32 डिसाइड नहीं हुआ है। सबसे पहले 1950 में डिसाइड हुआ कुछ जनजाति, उसके बाद 1955 में डिसाइड हुआ, और 2 जनजातियों को 2003 में जनजाति का दर्जा मिला। यानी झारखंड में झारखंड बनने के बाद 2 जनजातियों को दर्जा दिया गया है, किसका बताइए, किसका दर्जा दिया गया है? 2 जनजातियों को जनजाति का दर्जा दिया गया है। इससे पहले झारखंड जिस समय बन रहा था, आपसे एक सवाल यहां पे पूछ सकता है कि झारखंड निर्माण के समय झारखंड में जनजातियों कितने प्रकार की जनजातियां निवास करती थी, ठीक है? तो उस समय 30 था, झारखंड जिस समय बना था ना उस समय 30 जनजाति था, बाद में 2 जनजाति ऐड हुआ, कौन कौन सा ऐड हुआ बताइए, आप लोग बताइए कौन कौन सा ऐड हुआ, थोड़ा बड़ा कर दीजिए सर स्क्रीन। चलिए लीजिए, हाँ कौन कौन सा ऐड हुआ, कोल और, अरे मिल जाएगा जेपीएससी वाले बैच में, कल से पीडीएफ के साथ मिल जाएगा, आज नहीं अपलोड कर पाए कुछ रीजन से, कल पीडीएफ के साथ मिल जाएगा। चलिए, कोल और कोरबा, बहुत बढ़िया दोस्तों, यानी कि झारखंड की 31वीं और 32वीं जनजाति कोरबा है ना, और 32वीं जनजाति कौन सी है, तो कोल। इन दोनों को कब मिला है दर्जा, तो 2003 में, ठीक है? तो दोस्तों अनुच्छेद 342 है ये, आर्टिकल 342 के तहत ये दर्जा दिया जाता है, संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत ये दर्जा दिया जाता है, और 1950 में, 1955 में और 2003 में 3 बार ऐसे मौके आए हैं कि झारखंड में जनजातियों की कौन कौन जनजाति है ये डिसीजन हुआ है, ठीक है दोस्तों? अब आपको याद रखना है कि झारखंड जिस समय बना था उस समय 30 जनजाति था झारखंड के अंदर, बाद में 2003 में 2 और जनजाति कोल और कोरबा को ऐड किया गया, ठीक है? तो ये बातें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, कौन सा अनुच्छेद पूछेगा, तो 342 इसको दिमाग में बैठा लेना दोस्त। चलिए अब देखिए, ये जो 32 अनुसूचित जनजाति है ना, उसमें 8 ऐसे हैं जो देखिए कुछ लोगों का कहना है मिसलेनियस ऑब्जेक्टिव कराइए, पढ़ लो भाई पढ़ लो, बहुत बहुत मुश्किल से थ्योरी क्लास हम यूट्यूब में लेके आते हैं, ये तो थ्योरी क्लास तो सब ऐप में ही चलता है, समझे? यूट्यूब में थ्योरी क्लास लाए हैं तो थोड़ा पढ़ लो, आप फायदा उठा लो। चलो, तो दोस्तों 32 अनुसूचित जनजाति है, उसमें 8 जो है वो आदिम है, आदिम मतलब वो थोड़ा सा उनका विकास थोड़ा और धीमी गति से हुआ है बाकी की तुलना में, है ना? वो आज भी जंगलों में रहते हैं, आज भी वो जंगलों के कंदमूल या शिकार पर निर्भर है। तो वो आदिम जनजाति कौन कौन से हैं, है ना? असुर है, बिरजिया है, बिरहोर है, 3 हो गया, असुर, बिरजिया, बिरहोर, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, परहिया, उसके अलावा सबर और कोरबा, ठीक है? ये 8 जनजाति है दोस्तों, जो कि किसमें आता है, आदिम जनजाति के अंतर्गत आता है। कौन कौन सा, असुर, बिरजिया, बिरहोर, असुर, बिरजिया, बिरहोर, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, परहिया हो गया, उसके अलावा आपका
सबर हो गया और एक हो गया आपका कोरबा, ये जनजातियां जो है वो बिरुह इसमें आती, आदिम जनजाति में आता है। ठीक है, आप लोग के एक पॉइंट ये भी याद रखना है, किस जनजाति को हिल खड़िया कहते हैं, है ना, किस जनजाति को हिल खड़िया कहते हैं, एक सवाल ये पूछा जा सकता है। तो याद रखना दोस्तों कि सबर जनजाति को हिल खड़िया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सबर जनजाति को हिल खड़िया के नाम से जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछ दिया जा सकता है कि झारखंड की किस जनजाति को हिल खड़िया के नाम से जाना जाता है, तो झारखंड की सबर जनजाति को हिल खड़िया के नाम से जाना जाता है। एक सवाल और पूछा जा सकता है कि झारखंड की किस जनजाति को नगेसिया कहा जाता है, है ना, तो झारखंड की किस जनजाति को नगेसिया कहा जाता है, तो किसान जनजाति को नगेसिया कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह से पूछा जा सकता है कि झारखंड की किस जनजाति को धांगर कहा जाता है, है ना, तो उरांव जनजाति को धांगर कहा जाता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा तो याद हो जाएगा, समझ रहे ना। बोलिए याद हुआ कि नहीं, झारखंड की किस जनजाति को हिल खड़िया बोलते हैं, तो सबर जनजाति को हिल खड़िया बोलते हैं। फिर पूछेगा झारखंड की किस जनजाति को नगेसिया बोलते हैं, तो किसान जनजाति को नगेसिया बोलते हैं। फिर पूछेगा झारखंड की किस जनजाति को धांगर कहते हैं, तो उरांव जनजाति को धांगर कहते हैं। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में बैठा लो सब लोग। ठीक है, हम बीच बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते रहेंगे, दिमाग में बैठाते चलना। ठीक है मेरे दोस्त, ये सब ना हाईलाइटेड करके कहीं नोट करते जाना। चलिए अब चलिए, ये हो आपने देख लिया कि झारखंड की 32 जनजातियों में से 8 को आदिम जनजाति में रखा गया, 8 को याद हो गया। 7 ऐसे जनजाति हैं झारखंड में जो अपने आप को सदान मानते हैं, अपने आप को जनजाति नहीं मानते, वो बोलते हम आदिवासी नहीं है, हम सदान हैं। ठीक है, झारखंड में ऐसी जनजातियों, ऐसी कितनी जनजातियां हैं सवाल पूछेगा, झारखंड में ऐसी कितनी जनजातियां जो खुद को सदान मानती है, है ना, सदान मतलब गैर आदिवासी मानती है। तो दोस्तों ऐसे जनजातियों की ऐसे जनजाति कितने हैं, 7 हैं। कितने हैं, 7 जनजाति अपने आप को क्या मानते हैं, सदान मानते हैं। ठीक है, अब ये 7 जनजाति कौन कौन से हैं दोस्त, ध्यान देना, 7 जनजाति कौन कौन से हैं, तो बिरजिया है, बिरजिया है, चिकबड़ाइक है, गुड़ाइत है, करमाली है, लोहरा है, महली है और किसान है। ठीक है, देखो इसमें जो भी जनजातियां यहां पर बता रहे हैं ना, ये सब कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं, व्यापारिक ये से जुड़े हुए जनजाति लोग हैं लोग, ये लोग अपने आप को, ये लोग अपने आप को सदान मानते हैं। क्या मानते हैं, सदान। सदान किसको बोलते हैं पता है आप लोगों को, सदान बोलते हैं गैर आदिवासियों को, सदान बोलते हैं गैर आदिवासी मूलवासी जो झारखंड के हैं उसको सदान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देखिए जैसे यहां पर बिरजिया, बिरजिया लोग क्या करते थे, लोहा गलाने का काम करते थे, है ना, असुर भी लोहा गलाने का काम करते थे, बिरजिया लोग भी क्या करते थे, लोहा गला करके इसका इक्विपमेंट बनाने का काम करते थे। ठीक है, उसके बाद अगर चिक बड़ा की बात करें तो ये बुनकर है, है ना, ये बुनकर जनजाति है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से अगर हम बात करें महली जनजाति की, तो ये बांस की चीजें बनाने में ये निपुण माने जाते हैं। ठीक है, उसी तरह लोहरा जनजाति है तो आप लोग जानते ही हो, लोहा से संबंधित इनका भी है। तो ये 7 जनजातियां आपको याद रखना है जो अपने आप को क्या मानते हैं दोस्तों, अपने आप को मानते हैं ये गैर आदिवासी, यानी कि अपने आप को क्या मानते हैं, सदान मानते हैं। आई बात समझ में कि नहीं बताओ, मजा आ रहा है क्लास में। देखिए अरुण यादव थोड़ा दिमाग, इतना बार रिपीट कर रहे हैं, याद कैसे रहेगा, आप इतना क्यों टेंशन ले रहे हो, बस पढ़ो ना आराम से, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा देंगे याद हो जाएगा, मेहनत करना पड़ता है याद करने के लिए, ऐसे थोड़ी ना याद रहता है जी, कोई हलवा थोड़ी है कि बस चले गए मुंह में डाले चला गया एकदम अंदर पेट में। हाँ, थोड़ा सा दिमाग में कंसेंट्रेशन बना के पढ़ो, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान दो यहां पर। हाँ चलिए, बहुत अच्छा। तो दोस्तों बिरजिया, बिरजिया, चिकबड़ाई, गुड़ाइत, करमाली, लोहरा, महली और किसान। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग में हुआ है जल्दबाजी में, ये हम सुधार करके ऐप में डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 8 हो गया आदिम जनजाति। बोलो 8 आदिम जनजाति किसको किसको याद है, एक बार थम्सअप करके बता दो, सब लोग बताइए। तो
आठ आदिम जनजाति किसको किसको याद हो चुका है। एक बार आप लोग जितने भी लोग लाइव जुड़े ना सब लोग वीडियो को लाइक कीजिए ताकि फटाफट जुड़ जाए 300-400-500 लोग, मजा आएगा ना। चलिए फटाफट जुड़िए। चलिए फटाफट बताइए तो जल्दी से, खोरठा वाले सर लेंगे क्लास कल से, ठीक है। आठ आदिम जनजाति याद हो गया, सात याद हो गया जो अपने आप को सदान मानते हैं, सात जनजाति अपने आप को सदान मानते हैं, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है, हो गया ना भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पांच ऐसी जनजातियां हैं जो अपने आप को क्या मानते हैं पता है, उच्च कोटि की हिंदू मानते हैं, अपने आप को राजपूत मानते हैं, है ना। पांच जनजातियां ऐसी हैं जो अपने आप को क्या मानते हैं, राजपूत मानते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों, राजपूत मानते हैं। अब वो पांच जनजातियां कौन कौन सी है आप लोग जानते भी होंगे, कुछ जनजातियों का आराम से पहले से याद होगा आपका, चेरो और खरवार। चेरो और खरवार तो आपको याद है पहले से, ठीक है ना, चेरो और खरवार याद है ना। तो चेरो खरवार तो अपने आप को मानते ही हैं, उसके अलावा बथूड़ी, बेदिया और बिंझिया, तीनों बी से स्टार्ट है, तीनों का नाम ब से स्टार्ट है, बथूड़ी, बथूड़ी, बेदिया और बिंझिया, बथूड़ी, बेदिया, बिंझिया, चेरो और खरवार, ये पांच ऐसी जनजातियां झारखंड की जो अपने आप को क्या मानती है दोस्तों, ये अपने आप को मानती है क्या बताओ, उच्च कोटि के हिंदू मानते हैं, यानी अपने आप को ये लोग राजपूत मानते हैं। आप लोग नाम में भी देखते होंगे फलना सिंह खरवार, चिल्ला सिंह खरवार, तो सिंह भी लगाते हैं, समझे। उसी तरह से आपका चेरो जनजाति लोग भी अपने आप को उच्च कोटि के हिंदू मानते हैं, अपने आप को सिंह मानते हैं, मतलब राजपूत मानते हैं। उसी तरह से बेदिया हो गया, बिंझिया हो गया और बथूड़ी हो गया, बेदिया, बिंझिया, बथूड़ी, ये तो आपको आसानी से याद हो गया होगा, पांच जनजातियां जो अपने आप को क्या मानते हैं, उच्च कोटि के हिंदू यानी कि राजपूत मानते हैं। समझ में आ गया सबको कि नहीं बताओ, चलिए बहुत अच्छा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये तीनों बातें याद रखिएगा। अभी हम आपको क्या क्या बताए, आठ जनजाति, क्या क्या बताए अभी आपको, आठ जनजाति क्या है, आदिम है, क्या है, आदिम है। सात जनजाति अपने आप को क्या मानता है, सदान मानता है। पांच जनजाति अपने आप को क्या मानता है, उच्च हिंदू, है ना, उच्च हिंदू या फिर राजपूत, उच्च हिंदू या राजपूत मानता है। ये तीनों बातें आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा, आसानी से क्वेश्चन कहीं बनेगा धड़ाक से मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए और याद भी रखिएगा, आदिम तो याद करा दिए, वो सब याद है। अभी जैसे पांच जनजाति बताए ना जो अपने आप को उच्च कोटि के हिंदू मानते हैं, कौन कौन सा, बथूड़ी, बेदिया, बिंझिया, चेरो, खरवार, बोलिए मेरे साथ, बोलिए मेरे साथ, बथूड़ी, बेदिया, बिंझिया, चेरो, खरवार, बथूड़ी, बेदिया, बिंझिया, चेरो, खरवार, ये पांच जनजाति अपने आप को क्या मानते हैं, उच्च कोटि के हिंदू मानते हैं, यानी अपने आप को क्या मानते हैं, ये राजपूत मानते हैं, ठीक है साथियों। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो भाई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूं तो दिक्कत होने की बात ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब सुन लो मेरी बात, सुन लो, अब आपको यह पता होना चाहिए कि झारखंड में जो भी जनजातियां निवास करती हैं वो प्रजातीय दृष्टिकोण से उसको कितने भागों में बांटा गया है, भाषाई दृष्टिकोण से कितने भागों में बांटा गया है, आर्थिक दृष्टिकोण से कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। ये पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग संथाल जनजाति आज कंप्लीट ही कर लेंगे, समझे। संथाल जनजाति के बारे में भी आज ही पढ़ेंगे हम लोग, संथाल जनजाति के से जितने सवाल बनते हैं ना सब आज क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, और ना केवल पढ़ेंगे आपको याद भी होगा। चलिए तो दोस्तों जनजातियों को दो आधार में हम बोलेंगे कि दो आधार में, इसको तीन आधार कर दो तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। एक तो प्रजातीय समूह के आधार पर, दूसरा आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर, तीसरा जो है भाषा के आधार पर, है ना, भाषा के आधार पर। मैं तीन तरह से डिवाइड कर दो तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है दोस्तों। प्रजातीय समूह के आधार पर, आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर, भाषा के आधार पर, ये तीन प्रकार से आप लोग जनजातियों को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रजातीय दृष्टिकोण से देखें तो झारखंड की जनजातियां मुख्यतः प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट, है ना, किसमें आते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट, ऑस्ट्रोलॉयड, ठीक है दोस्तों, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट में, और दूसरा हो गया आपका ऑस्ट्रोलाइट,
ऑस्ट्रोलॉयड, ठीक है, ऑस्ट्रोलॉयड, और तीसरा हो गया द्रविड, द्रविड, समझ लेना। यहां पर भी कुछ लॉजिक मैं आपको बताऊंगा, अगर उस तरह से आप लोग पढ़िएगा ना तो आपको याद करने में बहुत सुविधा होगा, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पर लॉजिक देने जा रहे हैं कि कैसे याद रखना है कि कौन कौन सी जनजाति द्रविड़ में आता है और कौन कौन सा जनजाति जो है प्रोटोस्लाइड में आता है, ठीक है। बता दे लॉजिक, बोलिए, याद करने में दिक्कत होती है ना आप लोग को, तो सुन लीजिए कैसे याद होगा। हाँ, पहले ये थोड़ा सा सुन लो कि तीन आधार पर बांट रहे हैं ना, एक हो गया प्रजातीय समूह के आधार पर, दूसरा आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर, तीसरा जो है भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर भी दो भागों में बांटते हैं, एक ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की के जनजाति, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की जनजाति, और दूसरा जो है वो है द्रविड़ भाषा परिवार की जनजाति, ठीक है। कौन कौन सा भाषा के आधार पर बांटेंगे तो कौन कौन सा दोस्त, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार जिसको मुंडा भाषा परिवार भी कहते हैं, और दूसरा कौन सा, तो दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार की जनजातियां। तो भाषा के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं, प्रजातीय दृष्टिकोण से तीन भागों में बांट सकते हैं, और आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर कई भागों में बांट सकते हैं, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब सुनिए, अब यहां पर जो आपको बताने जा रहे हैं कि प्रजातीय समूह के आधार पर, तो प्रजातीय समूह के आधार पर झारखंड की ज्यादातर जनजातियां किसमें आती है, तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड के अंतर्गत आती है। प्रजातीय दृष्टिकोण से देखें तो झारखंड की ज्यादातर जनजातियां किस में आती है दोस्तों, तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड में आती है ज्यादातर जनजातियां। अब ध्यान से यहां पर सुन लो, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड में कौन कौन सा मेन मेन में यहां कौन कौन सा आ रहा है जो आप लोग को याद रहता है, संथाल हो गया, हो गया, मुंडा हो गया, तीन तो मेन मेन वाला हो गया, ठीक है, संथाल, मुंडा, हो, टॉप तीन जनजातियां झारखंड की है ना। उरांव भी आखिर है लेकिन उरांव द्रविड़ में आता है। तो जैसे झारखंड की सबसे ज्यादा आबादी वाली जो चार जनजातियां हैं, झारखंड की जो सबसे ज्यादा आबादी वाली जो चार जनजातियां हैं उसमें से तीन जनजातियां प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड के अंतर्गत आता है, केवल उरांव जनजाति जो है द्रविड़ परिवार के, द्रविड़ प्रजातीय समूह के अंतर्गत आता है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा तो याद हो जाएगा आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। अब देखिए, ऑस्ट्रोलाइड या प्री द्रविडियन, ऑस्ट्रोलाइड जो प्रजातीय समूह है इसको प्री द्रविडियन भी बोलते हैं, करमाली इसके अंतर्गत आता है, समझे, करमाली जो है ना वो इसके अंतर्गत आता है। अब एक बात आपको याद रखना है, ये तो चलिए हो जाएगा, माल यहां माल पहाड़िया, पढ़िया, सौरिया पहाड़िया, असुर, कोरबा, कोरा, ये सब तो आता ही है। अब देखिए ऑस्ट्रोलाइड में कौन कौन आता है ये लॉजिक से आपको याद करवाते हैं, क्योंकि अगर ऑस्ट्रोलाइड वाला आपको याद हो जाएगा ना तो बाकी सब आप लोग प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड में लगा दीजिएगा, ठीक है। और एक तो करमाली आपको बता दिए किसमें आता है, करमाली आता है प्री द्रविडियन में, है ना, या ऑस्ट्रोलाइड में आता है। तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड अगर आपको ध्यान रखना है तो सबसे अच्छा तरीका द्रविड़ वाला याद रख लीजिए। द्रविड़ वाला कैसे याद रहेगा पता है, बहुत आसान है। द्रविड़ वाला याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है ना, एक तो उरांव के बारे में आप लोग जानते ही हैं, उरांव के बारे में पहले से जानते हैं कि उरांव दक्षिण से आए हैं, है ना। उरांव झारखंड में कहां से आके बसे हैं, तो दक्षिण भारत से आके बसे हैं। इनकी जो भाषा कुड़ुक है वो भी दक्षिण भारत की भाषा से प्रभावित है, ठीक है। तो उरांव तो एकदम कंफर्म मान लीजिए, क्योंकि दक्षिण से आए हैं तो द्रविड़ भाषा, द्रविड़ प्रजातीय समूह के अंतर्गत आएगा, इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब सुन लीजिए आप मेरी बात, यहां पर जो बाकी जनजातियां आपको दिख रही है, जैसे आप देख लीजिए खरवार, महली, गोंड, चेरो, चिकबड़ाए, गोड़ायत, बैगा, बिरजिया, अभी आप जो पढ़े थे पीछे कि बथुड़ी, बेदिया, बिंजिया, चेरो, खरवार, ठीक है, पढ़े थे ना अभी। अब उसको देखिए इसमें कौन कौन सा आ रहा है। अभी जो पांच जनजाति पढ़े थे जो अपने आप को क्या मानते हैं, अपने आप को उच्च हिंदू मानते हैं या राजपूत मानते हैं, वो पांचों यहां पे है क्या, देख लीजिए, बथुड़ी, ठीक है, बथुड़ी है ना, खरवार भी है, चेरो भी है, ठीक है, उसके अलावा आपका बिंझिया भी है, ये बिंझिया होगा, ठीक है, ये बिंझिया होगा,
बिंझिया और बेदिया, ठीक है। ये पांच जनजाति वही वाला ना पांच जनजाति है, ये पांच जनजाति वही वाला ना पांच जनजाति है जो अपने आप को उच्च हिंदू मानते हैं, है कि नहीं। जो पांच जनजाति अपने आप को उच्च हिंदू मानते हैं ना, वो सभी जो है वो द्रविड़ प्रजातीय समूह में आते हैं। अब बोलो ये वाला याद रखने में सुविधा होगा कि नहीं, बताइए। मतलब एक चीज याद करो दोनों काम हो गया, है कि नहीं, याद रखने में सुविधा होगा ना। अब आप लोग सोचते हो कैसे याद रहेगा सर, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, याद हो जाता है, ठीक है। अब बाकी चीजें देखो, अभी आपने पढ़ा ये पांच जनजाति जो हैं वो अपने आप को क्या मानते हैं, उच्च कोटि के हिंदू मानते हैं, यानी अपने आप को क्या मानते हैं, राजपूत मानते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो अपने आप को सदान मानते हैं, जो अपने आप को क्या मानते हैं, सदान मानते हैं, वैसी जनजातियों में देखिए हम अलग कलर से डिनोट कर दे रहे हैं। चिक बड़ाई अपने आप को क्या मानता है, सदान मानता है, मानता है कि नहीं। महली जनजाति अपने आप को क्या मानता है, सदान मानता है, ठीक है। किसान जनजाति अपने आप को क्या मानता है, सदान मानता है, ठीक है। बिरजिया जनजाति अपने आप को क्या मानता है, सदान मानता है। उसके अलावा अभी भी आपने पढ़ा था गोड़ायत अपने आप को क्या मानता है, सदान मानता है। तो अपने आप को सदान मानने वाली जनजाति और अपने आप को उच्च हिंदू मानने वाली जो भी जनजातियां हैं दोस्तों, वो सभी द्रविड़ प्रजातीय समूह के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। ये सभी किसके अंतर्गत आती है, द्रविड़ प्रजातीय समूह के अंतर्गत आती है। बोलो याद करने में सुविधा हुआ होगा कि नहीं। चलिए जिनको भी ऐसा लगा कि ये जो हम ट्रिक आपको बताए, ये जो लॉजिक आपको हम बताए याद करने का, कि पांच ऐसी जनजातियां जो अपने आप को उच्च हिंदू मानती है और वो सारी जनजातियां जो अपने आप को क्या मानती है, अपने आप को सदान मानती है, ये सभी द्रविड़ प्रजातीय समूह के अंतर्गत आती है, ठीक है दोस्तों। अब जिनको भी अगर ये ट्रिक आसान लगा, याद करने में सहूलियत लगा, एक बार आप लोग थम्सअप कर दीजिए और वीडियो को सब लोग लाइक कर दीजिए। जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं सब लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, कर दीजिए। आज 400 प्लस लाइव जुड़ना है आप लोगों को, है ना। ऐसे ही मैं बहुत रिस्क लेके कोई चैप्टर YouTube में लेके आता हूं, हमारे भाई जो पेड कोर्स में जुड़े हुए हैं वो हमें सुनाने लग जाते हैं सर YouTube में क्यों पढ़ा रहे हैं, हम लोग पे किए हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि हम लोग एप्लीकेशन में कितना क्लास देते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट कंटेंट देते हैं, कंप्लीट PDF देते हैं, फिर भी उनको लगता है कि यूट्यूब में बिल्कुल भी क्लास ना दें। ऐसा स्वार्थी मत बनिए, सब लोग सबका भला होना चाहिए, जो अपने से मेहनत कर रहे हैं उनको भी हेल्प मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया दोस्त, सब लोग लाइक बटन को दबा दिए, जितने भी लोग लाइक जुड़े हैं लाइक बटन को दबा दिए। अरे दबा दो यार, कुछ नहीं जाता है लाइक बटन दबाने से, कुछ नहीं जाता है। चलो 500 लाइक फटाक से कर दो। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी आपको कि तीन प्रकार से प्रजातीय दृष्टिकोण से बटा हुआ है। बिंदिया नहीं है, बिंदिया नहीं, बिंझिया है, बिंझिया। विक्रम कुमार दास जी, अभी हम आपको बताए कि वहां पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था, बिंझिया है, बिंदिया नहीं है, ये बिंदिया नहीं है, बिंझिया है, ठीक है। हम सुधार के दे देंगे, ये बिंझिया है और ये बेदिया है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्लियर हो गया ना दोस्त। अब चलो आगे बढ़ते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप क्या था, इसको बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है, इसको बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्थिक क्रियाकलाप वाला उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लीजिए, जो झारखंड की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जनजातियां है ना, वो सभी अब स्थायी कृषक बन चुकी हैं, समझे। मोहम्मद तनवीर आलम, ऐप में PDF मिलता है भाई, ऐप में जुड़ जाओ, ऐप में सारा चीज, सब क्लास का हर चीज का PDF मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अस्थाई कृषक जो है वो कौन कौन सी, जो झारखंड की टॉप जनजातियां हैं जनसंख्या के आधार पर, टॉप जनजातियां कौन कौन सी हैं, चार तो आप लोग को याद रहता है, पांचवा भी याद रखिएगा, समझे।
संथाली सबसे ज्यादा है, उसके बाद उराव है, उसके बाद मुंडा है, उसके बाद हो है, उसके बाद खरवार है, ठीक है। चलिए तो इसको याद रखिए। नहीं, मुंडा जो है प्रोटो ऑस्लाइड में आता है, कुछ कुछ जगहों में वो गलत दिया हुआ है, कुछ कुछ किताबों में। मैं भी पहले कंफ्यूज किया था एक समय, एक दो साल पहले, कि मुंडा लिखाओ, मुंडा भी प्रोटो ऑस्लाइड प्रजातीय समूह में आता है, ये दिमाग में बैठा लो सब लोग, ठीक है। कुछ कुछ किताबों में गलत दिया हुआ है कि मुंडा जो है वो प्री द्रविडियन या ऑस्ट्रोलाइड में आता है, ऐसा नहीं है, मुंडा भी प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजातीय समूह में आता है, ठीक है। इसी तरह डाउट पूछ लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए पशुपालन, खरवार जनजाति जो है ना वो पशुपालन और चराई करने का काम करती है अपने जीवन यापन के लिए, ठीक है। संथाल और हो जनजाति ऐसे तो ये स्थायी कृषक तो है ही, ये लोग कुछ लोग उद्योगकर्मी भी हो गए हैं, समझे, डेवलप कर गए हैं, उद्योगकर्मी भी हो गए हैं, समझ आ रहा सबको। उसके अलावा देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोहरा, करमाली, महली, असुर, चिकबड़ाई। चिकबड़ाई जनजाति को बुनकर माना जाता है, क्या माना जाता है, बुनकर माना जाता है। ये महली जनजाति जो है बांस की कला में निपुण होते हैं, किसमें निपुण होते हैं, बांस की कला में निपुण होते हैं, ठीक है। लोहरा जनजाति ये लोहे से इक्विपमेंट बनाने का काम करते हैं, लोहे की चीजें बनाने का काम करते हैं। हालांकि असुर बिरजिया जनजाति भी प्राचीन काल से लोहा गलाने का काम करते आए हैं, ठीक है। देखिए क्या रिप्लाई दे भाई, इतने सारे कमेंट के रिप्लाई देना मुश्किल है, इतना मत समझिए, ध्यान से सुनिए, क्लास को ध्यान दीजिए, आपको सब याद हो जाएगा, जितना जरूरी है ना उतना याद हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, ये वाली जो जनजातियां ना अभी भी वन और शिकार पर निर्भर है, है ना, अभी भी वन में रहते हैं, वन की चीजों पर निर्भर है, शिकार करने का काम करते हैं। दोस्तों बिरहोर जनजाति आज भी वनों में रहते हैं, आज भी वनों के चीजों पर निर्भर हैं। बुनकर क्या होता है, पीएम ऑफ इंडिया पूछ रहे हैं, पहले पीएम ऑफ इंडिया आप नाम ही रख दिए हैं ये। बुनकर मतलब वो क्या, बुनने का काम करते हैं, जैसे कि चटाई बुनने का काम कर दिए, टोकरी बुनने का काम कर दिए, ठीक है, बुनने का काम बुनकर हो गया। हाँ असुर भी लोहा का काम करते आए हैं प्राचीन काल से ही, सब बताएंगे अब, अभी ही सब बता देंगे तो फिर कंफ्यूज कर जाइएगा आप लोग, एक एक करके बताएंगे। संतोष दास थोड़ा स्टॉप, आपका आदत है कि एक ही चीज को कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, एक बार देख लिए हम सब बताएंगे, एक एक जनजाति बताना बाकी है ना, उस समय आपको दिमाग में फिट होगा, ठीक है। चलिए तो ये बिरहोर सबर पहाड़िया जनजाति, यानी पहाड़िया में सौरिया, पहाड़िया माल, पहाड़िया हो गया, बिरजिया और कोरबा, ये सब आज भी जो है ना वन और शिकार पर निर्भर है, ठीक है। कुछ संथाल जनजातियां, मलेर जनजातियां, कोरबा और पहाड़िया, ये सब झूम खेती भी करते हैं। मतलब कि यहां से यही निष्कर्ष निकल रहा है दोस्तों कि जनजातियों का आर्थिक आधार जो है वो बदल गया है, समझे, मतलब कुछ जनजातियां अस्थाई कृषक हैं, उसी वही जनजातियां उद्योग भी करने लगे हैं, उन्हीं में से कुछ पिछड़ी जनजातियां हैं जो पिछड़ी रह गई है जनजातियां जो झूम खेती करने लगे हैं। तो ये वाला टॉपिक जो है ये उतना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिक्सअप है। हाँ थोड़ा सा याद रखिएगा, ये वाला जो वन और शिकार पर निर्भर है, बिरहोर, सबर, पहाड़िया, बिरजिया और कोरबा, ये तो याद रहेगा ही कि संथाल, उराव, मुंडा, हो, ये लोग जो है स्थायी कृषक है। खरवार जनजाति स्पेशली याद रखिएगा पशुपालन और चराई पर निर्भर है। अब झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति यहाँ पर आपको याद रखना है, फिर हम लोग आज संथाल जनजाति पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जब तक मैं संथाल जनजाति का टॉपिक शुरू करूं आप लोग 400 प्लस की संख्या में लाइव जुड़ जाए, ठीक है, क्योंकि ये क्लास एप्लीकेशन की क्लास आप लोग को फ्री दे रहे हैं, ये वाला टॉपिक झारखंड की जनजातियां फ्री पढ़ा रहे हैं, तो आपका ही फर्ज बनता है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। चलिए अब सुनिए, झारखंड में सबसे ज्यादा अगर किसी जनजाति की जनसंख्या तो वो है संथाली, दूसरा नंबर पर है उराव, तीसरा नंबर पर है मुंडा, चौथे नंबर पर है हो और पांचवें नंबर पर है खरवार, ठीक है, बताइए, है ना, ये पांच टॉप जनजातियां।
झारखंड की 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन कौन सी है मेरे दोस्त? मेरे पीछे पीछे बोलो कौन कौन सी जनजातियां जो हैं वो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जनजातियां हैं। ओम प्रकाश पीडीएफ ऐप में मिलता है क्लास के साथ, ठीक है। झूम खेती, एक हमारी स्टूडेंट पूछ रही है कि झूम खेती क्या होता है। झूम खेती होता है ना कि वो लोग स्थायी रूप से एक जगह खेती नहीं करते हैं, जंगल के एक हिस्से को साफ किए, वहां पे खेती किए, उसके बाद वहां उस क्षेत्र को जला दिए, फिर कहीं और खेती की, तो जगह बदल बदल कर नए नए स्थानों पर खेती करते रहते हैं, उसको झूम खेती बोलते हैं, ठीक है। हाँ, 5 जनजातियां कौन कौन सी है भाई बताओ, 5 जनजातियां कौन कौन सी है टॉप की 5 जनजातियां, संथाल, उरांव, मुंडा, 4 नंबर पर है आपका हो, ठीक है, और 5 नंबर पर है खरवा। ये डेटा है, कुछ लोग जैसे खड़िया खड़िया में कंफ्यूजन होता है, लेकिन खड़िया ने 5 नंबर पर खरवा जनजाति है, ठीक है। अब सुनिए, प्रतिशत कैसे याद रहेगा, 35% तो याद रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है? संथाल जनजाति का। कितना परसेंट? 35%। अब उरांव का याद रखिए, इसका लगभग 18 × 36 होता है ना, आधा से थोड़ा ज्यादा, ठीक है ना, आधा से थोड़ा ज्यादा, यानी कि 18.14% उरांव है। ये 14 को उठा के नीचे ले आओ, 14.56% यहां पर क्या है, मुंडा है, ठीक है। उसी तरह से ये 14×56 होता है ना, ऐसे याद रखिएगा, आपको ट्रिक बता दे रहे, आप लोग भी अपने पढ़ते समय इस ट्रिक को उपयोग कीजिए, आप लोग को याद करने में सुविधा होगा। देखिए ध्यान से देखिए, संथाल अलग से याद रखिए, संथाल 35% है। संथाल कितना है दोस्तों? 35% है। एक नंबर पर, दो नंबर पर उरांव जनजाति है, ठीक है। दो नंबर पर कौन है? उरांव जनजाति, 18.14%, ठीक है, यानी 18% लगभग है, 1-4 का ज्यादा वह तो है नहीं। अब देखिए, ये वाला 14 को उठा करके ले आओ मुंडा में, ठीक है, मुंडा में ये वाला 14 उठा करके ले आओ यहां पर, तो 14.14×56 है ना, तो ये हो गया 14×56, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर ये वाला 6 है ना, इस 6 को उल्टा कर दो यहां पर, तो 4 नंबर पर हो जाएगा। ये 6 जो है ना, 6 का उल्टा, 6 को अगर ऐसे 6 लिखते हैं तो इसका उल्टा ऐसे 9 लिखते हैं ना, तो 9.9 जो समथिंग है, आपको बता देते हैं, 9.23, ठीक है, 9.23% जो है दोस्तों वो कौन है, तो हो जनजाति। तो आपको याद हुआ, बोलिए प्रतिशत याद हुआ, प्रतिशत सबको याद हो गया। चलिए 400 लोग जुड़ चुके हैं, एक बार सब लोग लाइक बटन दबा दीजिए, आप लोग को प्रतिशत याद हो गया सबको, एक बार मेरे साथ बोलिए, आप लोग बोलिए, इसको देख के मत बोलिएगा, अपने दिमाग से आंखें बंद करके बोलिए, अपने मन में बोलिए, क्योंकि फाइनली रिजल्ट आपको करना है, किसी को सुनाना नहीं है, ठीक है। पहले नंबर पर कौन है? संथाल। कितना परसेंट है दोस्तों? झारखंड की टोटल जो जनजातीय जनसंख्या है उसका 35% कौन है? संथाल है। कितने प्रतिशत? 35%। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर उरांव है। कितना प्रतिशत? तो 18.14%, 18.14%। अब 1-4 को उठा कर नीचे ले आओ, है ना, तो मुंडा जनजाति कितना प्रतिशत? 14.56, 14.56%। 4 नंबर पर कौन सा है दोस्तों? तो 4 नंबर पर हो जनजाति है, वो 6 जो लास्ट में था उसको उल्टा कर दो, 9.23% कौन सा है दोस्तों? तो ये आपका हो जनजाति है। 5वां नंबर पर खरवार है, जो 3.% है, समझे, 5वां नंबर पर खरवार है जो 3.% है। देखिए, फालतू कमेंट मत कीजिए, फालतू का कमेंट यहाँ पे मत कीजिए, पढ़ाई वाले बच्चे यहाँ पर, स्टूडेंट जो है ना खाली पढ़ने लिखने वाले बच्चे होने चाहिए। करियर फाउंडेशन का फोकस होता है एजुकेशन पे, किसी को भी गाली मत दीजिए, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, किसी को भी गाली मत दीजिए। चलिए, क्लियर हो गया दोस्तों, कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं ना।
अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं और क्या क्या चीज आपको पढ़ना है। खरवार का याद रखिएगा 3.83%, ठीक है, 3.83% कौन है दोस्तों, खरवार है। समझ में आ रहा है सबको? चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब सुनो, याद हो गया ना सबको? हाँ, फील करो कि हम आपके सामने आपके टेबल पे बैठे हुए हैं भाई, तो आपको याद आसानी से होगा। कभी मत सोचो कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक। चलिए अब आ जाइए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं, उसके बाद हम लोग संथाल जनजाति शुरू करेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट? सबर जनजाति को क्या बोलते हैं, बोलेगा किस जनजाति को हिल खड़िया बोलते हैं, किस जनजाति को हिल खड़िया बोलते हैं, तो सबर जनजाति को हिल खड़िया बोलते हैं। अभी पूछे थे ना आप लोग से थोड़ी देर पहले, किस जनजाति को नगेसिया बोलते हैं, तो किसान जनजाति को नगेसिया बोलते हैं। किसान जनजाति का नाम क्या है? नगेसिया है। किस जनजाति को धांगर बोलते हैं, तो उरांव जनजाति को धांगर बोलते हैं। किसको बोलते हैं धांगर? उरांव जनजाति को धांगर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। किस, अब ये बात भी याद रखिए कि 2003 में जिन अनुसूचित जनजातियों को जोड़ा गया है, यानी जो 32 जनजातियां झारखंड में हो गई है, पहले 30 थी, झारखंड जिस समय बना था उस समय जनजातियों यहां पर कितनी जनजातियां थी, तो 30 प्रकार की जनजातियां थी, लेकिन 2003 में कोरबा और कोल, है ना, किस किस जनजाति को, सॉरी कवर और कोल जनजाति को जो है, कवल और कोल कैसे याद रहेगा, आपको याद रखने का कोशिश करवाने के लिए कुछ कुछ ट्रिक आपको बताते रहते हैं। तो कोल जनजाति लास्ट में है ना, 32वीं जनजाति कौन सी है, कोल है, कोल के बाद कवर कर दिया गया, ठीक है, तो कोल कवर याद हो गया। कोल और कवर के बाद जो है दूसरी जनजाति तो नहीं ना बनी है झारखंड में, तो कोल को कवर कर दिया गया है, कोल को क्या कर दिया गया है, कवर कर दिया गया है, तो कोल और कवर याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि कोल लास्ट में याद रखना आपको, है ना, कोल को कवर कर दिया, ये अब कभी भूलिएगा ना, कभी कभी हो सकता है कि आपके दिमाग में ऑप्शन में वहां कोरबा भी दिया हो कवर भी दिया हो, समझे, ऑप्शन में कवर भी दिया हो कोरबा भी दिया हो, तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो मेरी बात याद रखिएगा कि कोल को सर कवर कर दिए थे, तो कवर से याद हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, आज बहुत दिन बाद लगभग 450 लोग लाइव जुड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, और लगातार जुड़िए, रोज क्लासेस में जुड़िए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा इसी क्लास में, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, धांगर किसको बोलते हैं, उरांव को। अब आइए हम लोग आज संथाल जनजाति को फिनिश करते हैं। देखिए हम ऐसे तो संथाल जनजाति पढ़ने लगिएगा ना, तो ऐसे तो बहुत कुछ पढ़ना है उसके अंदर, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो संथाल जनजाति के जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसी को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर हम संथाल जनजाति की बात करते हैं तो क्या क्या पढ़ेंगे, एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, संथाल जनजाति के बारे में एक बेसिक जानकारी, फिर इसकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, है ना, इसकी आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में पढ़ेंगे, और अंत में इसके धार्मिक जो जीवन है, धार्मिक व्यवस्था है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सब लोग रेडी हो, संथाल जनजाति आज के आज याद करना है, है ना, सब लोग रेडी है ना, संथाल जनजाति आज के आज आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, ऐसा पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सब लोग रेडी हो गए, तो एक बार जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं सब लोग एक बार लाइक बटन दबाइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। क्या क्या बात बताए कि भारत में संथाल जनजाति तीसरे नंबर की जनजाति है जनसंख्या के आधार पर, झारखंड में एक नंबर पर है, 35% जनजाति संथाल है, लेकिन अगर हम भारत में बात करें अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, है ना, भील जनजाति और गोंड जनजाति के बाद संथाली तीसरे नंबर की जनजाति, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 भील गोंड के बाद किसका नंबर आता है, संथाल का आता है, यानी भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जनजाति का है, तो भील जनजाति का है। दूसरे नंबर पर कौन है दोस्तों, तो गोंड जनजाति दूसरे नंबर पर है,
तीसरे नंबर पर कौन है साथियों? तो संथाल जनजाति तीसरे नंबर पर है, ठीक है ना? यहां तक कोई समस्या है क्या बताओ? कोई समस्या नहीं है, है ना? तो भील, गोंड और संथाली तीन नंबर पर। झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी, याद कर लिए हैं आप लोग। संथाल जनजाति प्रजातीय दृष्टिकोण में किसके अंतर्गत आते हैं? तो प्रोटो ऑस्ट्रलाइट प्रजातीय समूह में आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? प्रोटो ऑस्ट्रलाइट समूह के अंतर्गत आते हैं। आपसे पूछेगा कि भाषाई आधार पर संथाल जनजाति किसके अंतर्गत आते हैं? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। और ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार को मुंडा भाषा परिवार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुंडा भाषा परिवार भी कहा जाता है। समझ रहे हैं सब लोग? चलिए, बहुत अच्छा, समझ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, है ना? अब सुन लो मेरी अगली बात। अब संथाल जनजाति का सबसे ज्यादा संकेंद्रण कहां है? इनकी सबसे ज्यादा जनसंख्या के कारण ही संथाल परगना क्षेत्र जो है उसको कहा जाता है संथाल परगना। क्यों? क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा संथाल जनजाति वहां पे पाए जाते हैं, ठीक है? तो संथाल परगना में तो सबसे ज्यादा है ही। इसके अलावा ये हजारीबाग में, रामगढ़ में, है ना? हजारीबाग में, रामगढ़ में, रांची, पलामू, धनबाद, लातेहार, सिंहभूम क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, ठीक है? यहां तक याद हो गया? ये वाला उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, कैसे दिखते हैं लोग, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जान सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैसा हो, कैसे दिखते हैं, है ना? इसकी बात हम लोग ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे संथाली भाई लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है? हम सभी का सम्मान करते हैं, सभी जनजातियों का सम्मान करते हैं, सभी जाति, सभी धर्म का सम्मान करते हैं, ठीक है? तो इसको उस हिसाब से मत लीजिएगा। हालांकि इसके रूप रंग के बारे में दिया हुआ है, यहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, सामाजिक व्यवस्था, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि संथाल जनजाति में कितने गोत्र होते हैं, ठीक है? एक सवाल बनता है दोस्तों कि संथाल जनजाति में कितने गोत्र होते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, संथाल जनजाति में कुल 12 गोत्र होते हैं। कितने गोत्र होते हैं? 12 गोत्र होते हैं, ठीक है? अब ये 12 गोत्र जो होते हैं ना, ये जनजाति जो है वो बहिर्विवाही जनजाति है। बहिर्विवाही का मतलब क्या हुआ? कि एक गोत्र का जो है दूसरे गोत्र में ही विवाह होता है, समझे? एक गोत्र का सेम गोत्र में विवाह नहीं होता है, समझ गए? तो ये बहिर्विवाही जनजाति है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि ये पितृवंशीय हैं, मतलब एक तरह से इनका समाज भी पितृसत्तात्मक समाज है। पितृवंशीय मतलब हो गया कि पिता की संपत्ति पे उसके पुत्र का हक होना, इसको बोलते हैं पितृवंशीय। समझ आ रहा है सब लोग को? हाँ, चलिए, समझ में आ ही रहा होगा। अब देखिए, 12 गोत्र है। कितने गोत्र हैं संथाल जनजाति के? 12 गोत्र। 12 गोत्र कौन कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर कुछ गोत्र, देखिए आपका कोई फ्रेंड सर्किल में नाम होगा तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, इस गोत्र से ही पता कर सकते हैं उनके टाइटल से कि वो किस जनजाति में आते हैं। जैसे हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी किसमें है? संथाल जनजाति है। तो सोरेन क्या है? एक गोत्र है, ठीक है? आप लोग किसी ना किसी के नाम के पीछे हांसदा भी सुना होगा, तो ये भी क्या है दोस्तों? ये संथाल का ही गोत्र है। मुर्मू है ना, द्रौपदी मुर्मू जो जो राज्यपाल थी इससे पहले, वो भी एक संथाल जनजाति से बिलोंग करती थी, ठीक है? किस्कू, ये भी गोत्र है। हेमब्रम भी गोत्र है। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी एक संथाल जनजाति से बिलोंग करते हैं। टुड्डू भी संथाल जनजाति। सूर्य सिंह बेसरा का नाम सुने हैं? बेसरा भी संथाल जनजाति का गोत्र है, ठीक है? बास्के भी संथाल जनजाति का गोत्र है। पौरिया भी संथाल जनजाति का गोत्र है। चौरे और बेदिया, ये 12 गोत्र हैं दोस्तों जो संथाल जनजाति के गोत्र हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है दोस्तों सबको? चलिए, बहुत अच्छा। मेरा फ्रेंड है सुनील मरांडी, तो आपको पता ही होगा वो संथाली है। टुड्डू, बेसरा, ठीक है? एक बार पढ़ लो सब आराम से, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, इतना है ना, बहुत रटने की जरूरत नहीं है। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस जनजाति से बिलोंग करते थे? तो हाँ, तिरकी बता रहे हैं, चिंता मत कीजिए। तिरकी ना उराव में आते हैं, तिरकी इसमें नहीं आते, ठीक है? जी बिल्कुल। चलिए, अब देखिए,
संथाल पूछेगा कि संथाल जनजाति को कितने हड़ों में विभक्त किया गया, ये तो हो गया गोत्र। गोत्र कितना, 12 गोत्र में विभक्त किया गया। अगर आपसे पूछेगा कि संथाल जनजाति को कितने हड़ों में विभक्त किया गया, तो 4 हड़ों में विभक्त किया गया। कितने हड़ों में विभक्त किया गया है, 4 हड़ों में संथाल जनजाति को विभक्त किया गया। कौन कौन सा दोस्तों, किस्कू हड़, मुरमू हड़, सोरेन हड़ और मुरुड़ी हड़। किस्कू हड़ क्या होता है, राजा होता है। मुरमू हड़ पुजारी होता है। सोरेन हड़ सिपाही होता है। मुरुड़ी हड़ कृषक होता है। मेरे पीछे पीछे एक बार रिपीट करिए सब लोग, किस्कू हड़ क्या होता है, किस्कू हड़ क्या होता है, किस्कू हड़ राजा होता है, मुरमू हड़ पुजारी होता है, सोरेन हड़ सिपाही होता है, मुरुड़ी हड़ कृषक होता है। आई बात समझ में सबको, चलिए बहुत अच्छा। तो कितने गोत्रों में विभक्त है, 12 गोत्रों में संथाल जनजाति विभक्त है। कितने हड़ों में विभक्त है, तो 4 हड़ों में विभक्त है। कौन कौन सा हड़, किस्कू हड़, सोरेन हड़, मुरमू हड़, मुरुड़ी हड़। किस्कू हड़ राजा, मुरमू हड़ पुजारी, सोरेन हड़ सिपाही, मुरुड़ी हड़ कृषक। समझ में आया बात कि नहीं, बोलो। चलिए बहुत अच्छे, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज ना बहुत सारी चीजें आप लोग को याद होगा। अभी मेरे क्लास के बाद एक बार संथाल जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन बनाइएगा, अब तब आपको पता चलेगा कि आज आपने कितना कुछ सीखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए। अब संथाल जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। हम पहले ही बताया कि बहिर्विवाही है लोग। बहिर्विवाही का मतलब क्या हुआ, बहिर्विवाही का मतलब क्या हुआ, देखिए हर को ना मरुड़ी बोलते हैं, मरांडी उसको नहीं बोलते हैं, है ना। हड़ को जो है ना, उनका हड़ में विभक्त है ना, वो मरुड़ी कहलाता है। मरुड़ी ही लिखा हुआ था सोर्सेस में, जो मैं सोर्सेस फॉलो करता हूं जो चीजें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए संथाल जनजाति की बात अगर हम करते हैं, तो संथाल जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है, मतलब एक गोत्र में विवाह नहीं होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, संथाल जनजाति के युवा गृह को क्या कहते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल जरूर आएगा कि युवा गृह क्या कहलाता है, लेकिन युवा गृह के बारे में हम डिटेल बताएंगे उरांव जनजाति में, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए आज। युवा गृह वो स्थान होता है जहां पर युवक युवतियों को ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण का प्रशिक्षण कराया जाता है। युवक युवती जब 10 से 11 वर्ष के हो जाते हैं तो उनको युवा गृह में प्रवेश कराया जाता है। वहां पर वो अपनी जनजाति की कला, संस्कृति, नृत्य, संगीत का प्रशिक्षण लेते हैं। ठीक है, उसको युवा गृह बोलते हैं, ट्रेनिंग सेंटर हो गया एक प्रकार का। तो संथाल जनजाति के युवा गृह को क्या बोलते हैं दोस्तों, घोटुल बोलते हैं। ठीक है, आज के आज चलिए हम आपको 3 इंपॉर्टेंट युवा गृह बता देते हैं, है ना, 3 इंपॉर्टेंट युवा गृह बता देते हैं ताकि आप लोग को याद रहे। संथाल जनजाति का, उरांव जनजाति का और मुंडा जनजाति का, 3 को याद रखिएगा ना। चलिए, संथाल जनजाति का युवा गृह क्या कहलाता है दोस्तों, घोटुल कहलाता है। उरांव जनजाति का युवा गृह क्या कहलाता है दोस्तों, धुमकुड़िया कहलाता है। क्या कहलाता है, धुमकुड़िया कहलाता है। मुंडा जनजाति का युवा गृह क्या कहलाता है दोस्तों, गीती ओड़ा कहलाता है, गीती ओड़ा। ठीक है, ये 3 आज के आज याद कर लीजिए। ठीक है, क्या क्या याद रखना है, संथाल जनजाति का युवा गृह क्या कहलाता है, घोटुल कहलाता है। उरांव जनजाति का युवा गृह क्या कहलाता है, धुमकुड़िया कहलाता है। मुंडा जनजाति का युवा गृह क्या कहलाता है, गीती ओड़ा कहलाता है। बोलिए याद हो गया 3 की नहीं। चलिए बहुत अच्छा, गुड, बहुत बढ़िया। संथाल घोटुल, उरांव धुमकुरिया और मुंडा का गीतीओड़ा। ठीक, अब बाकी जनजाति का हम आगे बताते चलेंगे रिवाज, थोड़ा थोड़ा लीजिए दिमाग में बैठाते चलिए। ठीक है, चलिए अब सुनिए। तो युवा गृह याद हो गया, संथाल जनजाति का युवा गृह क्या कहलाता है, घोटुल कहलाता है। ठीक है, समगोत्रीय विवाह इनमें नहीं होता, ज्यादातर जनजातियों में, मैक्सिमम जनजातियों में समगोत्रीय विवाह नहीं होता। ठीक है, सामान्य तौर पर एक ही विवाह की प्रथा है, लेकिन मान लीजिए कुछ कठिन परिस्थितियां हो जाए, है ना, तो पुरुषों को दूसरा विवाह करने की छूट मिली हुई है। ऐसे सामान्य परिस्थितियों में एक ही विवाह होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में पुरुषों को दूसरा विवाह करने की छूट है।
बहुत अच्छी बात कि इस जनजाति के अंदर बाल विवाह की प्रथा नहीं पाई जाती है, समझे, इस जनजाति के अंदर बाल विवाह की प्रथा नहीं पाई जाती है। ठीक है, जो चैनल पे नए होंगे ना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, समझे, वहीं से तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा। चलिए साथियों, बहुत अच्छा अभी तक आपने सीखा। अब सुनिए, अब यहां तक तो आपने सीख लिया, अब आगे का देखिए। एक मिनट, थोड़ा सा एक मिनट वेट कीजिए, टाइपिंग हो रहा था कंटेंट, ठीक है, नहीं तो फिर मैं बोर्ड पे लिख के बताने लूंगा तो फिर 1 घंटा लग जाएगा, थोड़ा सा बताना बाकी। चलिए थोड़ा सा जुड़े रहिए, 2 मिनट वेट कीजिए, ठीक है, क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। मजा आ रहा था, अभी और मजा आएगा, अभी कुछ चीजें और आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है, इतनी जल्दी खत्म थोड़ी ना हो गया, अभी कुछ चीजें आपको और भी सीखने को मिलेंगी दोस्तों। प्रश्न भी लास्ट में पूछेंगे, लास्ट में जितना भी आज हम पढ़ाए हैं ना, सबका क्वेश्चन पूछेंगे, रिवीजन भी कराएंगे। वेट कीजिए, चलिए क्लास टाइम नहीं पता है, 9 बजे से चलता है दोस्त, एक सेकंड, अब यह ऐप में क्लास कैसे नहीं होती है, विष्णु कुमार ऐप में भी क्लास चलती है कंप्लीट, ठीक है। चलिए तो कहां पे थे हम लोग दोस्तों, हम लोग थे संथाल जनजाति की सामाजिक व्यवस्था पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अभी तक जाना कि संथाल जनजाति का युवा गृह घोटुल कहलाता है, इसमें देखिए बाल विवाह की प्रथा नहीं पाई जाती, विधवा विवाह और परित्यागता विवाह इसमें समान ही है, समझे, विधवा विवाह भी होता है, परित्यागता विवाह भी होता है, ठीक है, विधवा विवाह भी होता है, परित्यागता मतलब किसी को अगर छोड़ दिया जाता है, कोई अगर महिला को किसी ने छोड़ दिया तो उसके साथ भी विवाह किया जाता है, उसको परित्यागता विवाह किया जाता है। सुशांत मित्तल जी, आपको अगर नहीं ठीक लग रहा तो आप जा सकते हैं, बकवास यहां करने के लिए कमेंट बॉक्स नहीं दिया गया, ठीक है, आपको बकवास करने के लिए कमेंट बॉक्स नहीं दिया गया, आप जिस किताब से पढ़ रहे हो वही गलत होगा, ठीक है, तो यहां पर लोगों को डिस्टर्ब मत कीजिए, अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप जा सकते हैं, नहीं तो आपको हाइड करने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। चलिए
अब सुनिए, आगे सुनिए, संथालों में विवाह को क्या बोलते हैं? आप लोग सुने होंगे अलग अलग तरह के विवाह होते हैं संथालों में। संथालों में विवाह को जो बोलते हैं वो बोलते हैं बापला बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? संथालों में विवाह को क्या बोलते हैं? बापला बोलते हैं, है ना। संथालों में विवाह को, जैसे आपको बोले कि संथाल जनजाति के युवा गृह को घोटुल कहा जाता है ना, उसी तरह संथालों में विवाह को बापला कहा जाता है। और बापला में भी किरिंग बापला आप लोग सुने होंगे, सबसे ज्यादा प्रचलित विवाह जो है वो कौन सा है? किरिंग बापला। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रचलित विवाह कौन सा है? किरिंग बापला। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को जो वधु मूल्य दिया जाता है, जनजातियों में एक परंपरा उल्टा, जैसे हम लोग के यहाँ परंपरा क्या है, हम लोग के यहाँ परंपरा है कि दहेज वाला, ठीक है, ज्यादातर लोगों में, लेकिन जनजातियों में परंपरा है कि वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को विवाह के समय एक मूल्य दिया जाता है, उसको वधु मूल्य कहा जाता है। और संथाल जनजाति में स्पेशली बात करें तो संथाल जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहते हैं? संथाल जनजाति में वधु मूल्य को क्या बोलते हैं दोस्तों? बताइए, पोन बोलते हैं। ठीक है, संथाल जनजाति में वधु मूल्य को क्या बोलते हैं? पोन कहा जाता है, याद रखिएगा। तो दो तीन बात याद हो गया, संथाल जनजाति का युवा गिरी क्या कहलाता है? घोटुल कहलाता है। संथाल जनजाति में विवाह को क्या बोलते हैं? बापला बोलते हैं, किरिंग बापला सबसे ज्यादा पॉपुलर विवाह है। ठीक है, उसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि स्त्री और पुरुष दोनों ओर से शादियां तोड़ने का समान अधिकार है। ऐसा नहीं कि एक साइड से अधिकार दिया हुआ है, स्त्री और पुरुष को दोनों ओर से शादी को तोड़ने का दोनों को समान अधिकार दिया हुआ है, है ना। तो ये सब चीजें जनजातियों के अंतर्गत अच्छी व्यवस्था है। अब बोला जाए बिटलाहा क्या है, है ना, बिटलाहा क्या है? तो बिटलाहा दोस्तों सबसे कठिन प्रकार का दंड है, है ना। बिटलाहा जो है वो सबसे कठिन प्रकार का दंड है। खासकर ये दंड तब दिया जाता है जब कोई, मतलब क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं कि अगर कोई गलत यौन संबंध स्थापित कर ले, है ना, जैसे कि मान लीजिए सेम गोत्र में विवाह नहीं होना है और सेम गोत्र में कोई यौन संबंध स्थापित कर ले तो वो अपराध हो गया। तो उस अपराध के बदले जो सबसे कठोर सजा दिया जाता है उसको बोलते हैं क्या दोस्तों? उसको हम लोग कहते हैं संथाल जनजाति में बिटलाहा। बिटलाहा सबसे कठोर दंड है जिसमें क्या किया जाता है? समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, हाँ। बाकी देखिए विवाह कई प्रकार का है, ठीक है, लेकिन थ्योरी सेशन में हम इतना ही बताएंगे, किरिंग बापला सबसे पॉपुलर। जब ऑब्जेक्टिव वाला सेशन करवाएंगे तो वहां पे सब अलग अलग करके डिवाइड करके बता देंगे, ऐसे आपको याद नहीं होगा, मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, क्लियर है दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यानी अनुचित अनुचित यौन संबंध का जो भी दोषी पाया जाता है उसको उसको बिटलाहा सजा दिया जाता है, उसको सजा तो दिया जाता है, समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। संथाल गांव, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, संथाल गांव को क्या बोलते हैं? संथालों के गांव को आतो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आतो बोलते हैं। संथालों के गांव को आतो बोलते हैं और गांव का जो प्रधान होता है उसको मांझी कहते हैं। ठीक है, और जहां पे मांझी जी बैठते हैं उसको मांझी थान कहते हैं, समझे, जहां पे मांझी बैठते हैं उसको मांझी थान कहते हैं। तो सारी बातें याद रखिए, संथाल गांव को क्या बोलते हैं दोस्तों? आतो बोलते हैं, उसके प्रधान को क्या बोलते हैं? मांझी बोलते हैं, और जहां पे पंचायत बैठती है उसको मांझी थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मांझी थान बोलते हैं। मेरी बातें स्पष्ट सुनाई दे रही है ना आप लोग को, है ना, आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। इस पूरे चैप्टर से कम 20-25 पॉइंट मैंने आपको बता दिया है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ गया ना, 20-25 पॉइंट आज के सेशन से निकल गया जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिटलाहा समझ में आ गया, संथाल गांव को क्या बोलते हैं? संथाल गांव को आतो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आतो बोलते हैं। गांव का प्रधान क्या कहलाता है? मांझी कहलाता है। जहां पे पंचायत बैठती है उसको मांझी थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मांझी थान बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए अब आ जाइए धार्मिक व्यवस्था पे, संथाल जनजाति की
धार्मिक व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। बहुत आराम से सुनिए, बहुत आराम से ध्यान से चीजों को नोट करते चलिए, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें धर्म की, अगर हम बात करें संथाल जनजाति के धर्म की या धार्मिक इनकी जो व्यवस्था है उनकी, तो संथाल जनजाति का जो सबसे प्रमुख देवता होते हैं, जो सबसे प्रधान देवता होते हैं, उनको सिंगबोंगा या ठाकुर कहा जाता है, ठीक है। सबसे प्रधान देवता क्या वो होते हैं? सिंगबोंगा या ठाकुर। कहां कहां से वायरस आ जाते हैं ये लोग, ठीक है। सबसे प्रधान देवता संथाल जनजाति का सबसे प्रधान देवता क्या कहलाता है? सिंगबोंगा या ठाकुर कहलाता है, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, समस्या नहीं ना। अब दूसरी बात, दूसरा जो सबसे प्रमुख देवता है, ठीक है, दूसरा जो सबसे प्रमुख देवता है उसको मरांग गुरु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको मरांग गुरु कहा जाता है, ठीक है। दूसरे सबसे प्रमुख देवता को क्या बोलते हैं दोस्तों? मरांग गुरु कहा जाता है, ठीक है। मुख्य ग्राम देवता, मुख्य ग्राम देवता को क्या बोलते हैं? जेहार एरा बोलते हैं। जोहार एरा नहीं, जाहिर एरा, सॉरी जाहिर, यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, हम सुधार के डाल देंगे ऐप में। जाहिर एरा, जाहिर एरा, ठीक है, जाहिर एरा बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, प्रधान देवता क्या? सिंगबोंगा या ठाकुर, जिसको ये लोग विश्व विधाता मानते हैं। सिंगबोंगा या ठाकुर, यहां पे टाइपिंग पे मत जाएगा, बहुत जल्दी में हुआ था तो कुछ मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दूसरा प्रमुख देवता कौन? मरांग गुरु। दूसरा प्रमुख देवता कौन? मरांग गुरु। मुख्य ग्राम देवता कौन दोस्तों? तो मुख्य ग्राम देवता जाहिर एरा। कौन? जाहिर एरा मुख्य ग्राम देवता। संथाल गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? नायके कहलाता है। संथाल गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है दोस्तों? नायके कहलाता है। क्या कहलाता है? नायके कहलाता है। गृह देवता को क्या बोलते हैं? ओड़ोक बोंगा बोलते हैं, ओड़को बोंगा बोलते हैं, ठीक है। संथाल जो है ना वो जंतर मंतर जादू टोना पर विश्वास रखते हैं। संथाल जो है वो जंतर मंतर जादू टोना पर विश्वास रखते हैं। समझ में आया बात? अब एक पॉइंट और मेरी तरफ से नोट कर लो आप लोग संथाल जनजाति के विषय में। क्या नोट कर लो? कि जो इनका जो जनक माना जाता है, संथाल जनजाति का जो जनक है, संथालों का जनक किसे माना जाता है? जनक कहने का मतलब यह हुआ कि जिन्होंने इनको जन्म दिया, समझे, तो उस देवता का नाम है लुग्गू बुरु। क्या नाम है? लुग्गू बुरु, ठीक है। संथालों का जनक किन्हें माना जाता है? लुग्गू बुरु को संथालों का जनक माना जाता है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि झारखंड के बोकारो जिले में फुसरो में एक पहाड़ है, ठीक है। उस पहाड़ पर इनका सबसे पवित्र तीर्थस्थल है, ठीक है। उस तीर्थस्थल को बोला जाता है लुग्गू बुरु घंटाबड़ी धोरोमगढ़, ठीक है। याद रखिएगा, लुग्गू बुरु घंटाबड़ी धोरोमगढ़ जो है दोस्तों, ये बोकारो जिले में है ना, बोकारो जिले के फुसरो में, बोकारो जिले के फुसरो में ही है ना जी। चलिए बहुत अच्छा, तो यह बात याद रखिएगा, संथाल जनजाति का जनक किसे माना जाता है? तो संथाल जनजाति का जनक लुग्गू बुरु देवता को माना जाता है। और ये इनका जो सबसे पवित्र तीर्थस्थल है जहां पे हर वर्ष मुख्यमंत्री भी जाते हैं, वो है लुग्गू बुरु घंटाबाड़ी धोरोमगढ़, ठीक है। बोलने सकिएगा मेरे साथ तो बोलिए, याद हो जाएगा, मेरे साथ बोलिएगा तो याद हो जाएगा, लुग्गू बुरु घंटाबाड़ी धोरोमगढ़। मरांग गुरु अलग है, मरांग गुरु क्या बोले? दूसरा प्रमुख देवता मरांग गुरु है ना। दूसरा प्रमुख, सबसे प्रमुख देवता सिंगबोंगा, सबसे प्रमुख देवता सिंगबोंगा, दूसरा सबसे प्रमुख देवता मरांग गुरु है ना। धार्मिक प्रधान को नायके बोलते हैं, इनका जनक जो कहलाते हैं लुग्गू गुरु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाँ जी बिल्कुल, हाँ, ललपनिया जगह वो नाम है जहां पे ये पाया जाता है, जहां पर ये है ना ललपनिया, वो जगह का नाम है, ललपनिया में है वो। एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें, पीएम ऑफ इंडिया जो भी आप नाम लिखे हैं
नेगेटिव थॉट मत रखिए, एग्जाम क्वालिफाई करना है नेगेटिव थॉट मत रखिए, दिमाग को मैसेज दीजिए कि तू सब याद रख सकता है। दिमाग को ही मैसेज दे दीजिएगा कि नहीं याद रहेगा तो दिमाग भी सुस्त हो जाएगा। ये दिमाग भी उसी तरह से काम करता है जिस प्रकार से आप सोच रखते हैं। अपने दिमाग को लगातार मैसेज करिए कि तुम कर सकता है, कर ले, आराम से याद हो जाएगा। हमेशा दिमाग को ये पॉजिटिव मैसेज देते रहिए, दिमाग पॉजिटिव सोचेगा उसको ज्यादा याद रहेगा, समझे। ये सब साइकोलॉजी है दोस्तों, आप लोग समझते क्यों नहीं उस बात को। चलिए समझ में आ गया जी। संथालों की भाषा संथाली, एक पॉइंट और छूट गया है। संथालों की भाषा क्या है? संथाली है। इसकी लिपि, इसकी लिपि कौन सी है? इसकी लिपि है ओल चिकी लिपि, ओल चिकी, ओल चिकी लिपि इसकी लिपि है दोस्तों। और इस लिपि का आविष्कार किसने किया था? चलिए ये सब चीजें याद हो गया ना। संथालों का जनक लुग्गू गुरु है। लुग्गू गुरु घंटाबाड़ी धोरमगढ़ बोकारो जिले के फुसरो के कहां पे बोले थे जी अभी आप लोग? ललपनिया ना, कहां पे? ललपनिया, ललपनिया में स्थित है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, संथाल जनजाति की जो भाषा है, संथाली भाषा की अगर हम बात करें, किसकी, संथाली भाषा की बात करें, तो संथाली भाषा की लिपि, संथाली भाषा की लिपि कौन सी है, है ना, लिपि कौन सी है दोस्तों? तो ओल चिकी लिपि है। ओल चिकी लिपि संथाली भाषा की लिपि है, ठीक है। और रघुनाथ मुर्मू, रघुनाथ मुर्मू इस लिपि का आविष्कार किए थे, है ना। रघुनाथ मुर्मू इस लिपि का आविष्कार किए थे। और आपको बता दें कि झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं की अगर हम बात करें, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की बात करें, जितनी भी झारखंड के अंदर क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा बोली जाती है, उसमें केवल संथाली भाषा ही 8वीं अनुसूची में शामिल है, समझे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में झारखंड की जितनी भी क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है, उसमें से केवल एक भाषा संथाली भाषा ही भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, ठीक है, समझ गए सब लोग। और कब शामिल हुआ था, कितने लोग बता सकते हैं? संथाली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों। चलिए बहुत अच्छा, दो या 2003, कुछ लोग 3 लिख रहे हैं, कुछ लोग 2 लिख रहे हैं, कंफ्यूजन दूर कर लो। 2002 या 2003, हैं, बहुत दुविधा है जी। 2003 होगा ना, कि 2 होगा, कंफर्म कर लो भाई, कंफर्म कर लो इसको। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था? 2002 ही होगा। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था? कुछ लोग डेट के साथ बता रहे, 3 दिसंबर 2003। कौन सा संविधान संशोधन के तहत संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, ठीक है, बताइए कमेंट करके। अब चलिए हम लोग बात करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अर्थव्यवस्था की बात करें तो संथाली मूल रूप से खेतहर हैं जो धीरे धीरे स्थायी कृषक बन गए हैं। ये मक्का, ज्वार, बाजरा आदि मोटे अनाज का खेती करते आए हैं, ठीक है, मोटे अनाज की खेती करते आए हैं, धान की भी खेती करते आए हैं। अभाव की स्थिति में कुछ लोग जो है वो जंगली पेड़ जैसे साल, महुआ, बांस आदि के फूल फल को भी कच्चा या पक्का खाते हैं, ठीक है। पशुपालन में लोग मुर्गी पालते हैं, सुअर पालते हैं, भेड़ पालते हैं, गाय भैंस ये सब चीज का पालन करते हैं। शिकार करने में ये लोग मछली पकड़ने के शौकीन हैं और शिकार करने के भी शौकीन हैं। पेय पदार्थ में चावल को सड़ाकर जो हड़िया बनता है उसका ये लोग सेवन करते हैं जी। 2003 ही होगा, ठीक है, हाँ, 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत
है ना, संथाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया। चलिए बहुत अच्छा, आप लोगों ने सही जवाब दिया है, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। तो मुर्गी, सुअर, भेड़, गाय, भैंस पालते हैं, शिकार करते हैं, मछली पकड़ने के भी शौकीन हैं। पेय पदार्थ की बात करें तो चावल को सड़ाकर बनने वाला हड़िया के अलावा महुआ के शराब का भी लोग पेय पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। ये केंदू पत्ता से बनने वाला बीड़ी भी पीने के शौकीन है, समझे, बीड़ी भी ये लोग पीते हैं जो केंदू पत्ता से बनता है। दोस्तों समझ में आ गया सब लोगों को, चलिए बहुत अच्छा, समझ में आ गया ना सबको। तो ये चैप्टर आज हम फिनिश कर दिए, आज के आज ही फिनिश कर दिए। अब कुछ सवाल हम आपसे दागेंगे, उस सवाल का बखूबी आप लोग सही उत्तर दीजिएगा अगले 2-3 मिनट में। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों से पूछते हैं, जैसे कि संथाल जनजाति में गोत्र कितने होते हैं, एक सवाल ये हो गया। संथाल जनजाति में गोत्रों की संख्या कितनी है, संथाल जनजाति में हड़ों की संख्या कितनी है, दो सवाल, चलिए फटाफट बताते जाइए। संथाल जनजाति में गोत्र कितने हैं दोस्तों, तो 12 गोत्र हैं। हड़ों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 4 हड़ इसके अंतर्गत पाए जाते हैं, ठीक है। संथाल जनजाति में विवाह को क्या बोलते हैं, बोलो बोलो जल्दी से, संथाल जनजाति में विवाह को क्या बोलते हैं, बापला बोलते हैं, ठीक है। संथाल जनजाति के युवागिरी को क्या बोलते हैं, घोटुल बोलते हैं। संथाल जनजाति के युवागिरी को क्या बोलते हैं, घोटुल बोलते हैं। उसके बाद संथाल जनजाति की बात करें तो संथाल जनजाति का जो क्या बोलते हैं सबसे प्रसिद्ध विवाह कौन सा है, तो किरिंग बापला है। सबसे प्रचलित विवाह कौन सा है, तो किरिंग बापला है, ठीक है। उसके अलावा संथाल जनजाति का झारखंड में जनजातियों में प्रतिशत कितना है, तो 35% है। कितना प्रतिशत है, 35% है। संथाल जनजाति में बधू मूल को क्या बोलते हैं, बोलो बोलो जल्दी से। संथाल जनजाति में बधू मूल को क्या बोलते हैं, तो पोन बोलते हैं। संथाल जनजाति में बधू मूल को क्या बोलते हैं दोस्तों, पोन बोलते हैं, ठीक है। सबसे कठोर सजा को क्या बोलते हैं, बिटलाहा बोलते हैं। सबसे कठोर सजा को क्या बोलते हैं दोस्तों, बिटलाहा बोलते हैं, है ना। सबसे कठोर सजा को क्या बोलते हैं, बिटलाहा बोलते हैं। धार्मिक प्रधान कौन सा है, सिंहभोंगा। संथाल जनजाति का धार्मिक प्रधान कौन है, सिंहभोंगा। संथाल जनजाति के गांव को क्या बोलते हैं, आतो बोलते हैं। संथाल जनजाति के गांव को क्या बोलते हैं, आतो बोलते हैं। संथाल जनजाति में जो गांव का प्रधान होता है उसको क्या बोलते हैं, मांझी बोलते हैं, ठीक है। गांव के प्रधान को क्या बोलते हैं दोस्तों, मांझी बोलते हैं। और जहां पे पंचायत बैठती है उसको क्या बोलते हैं, मांझी थान बोलते हैं। जहां पे पंचायत बैठती है उसको क्या बोलते हैं, मांझी थान बोलते हैं। प्रधान देवता कौन है, सिंहभोंगा या ठाकुर। प्रधान देवता कौन है, सिंहभोंगा या ठाकुर। दूसरा प्रमुख देवता कौन है, मरांग गुरु। दूसरे प्रमुख देवता कौन है, मरांग गुरु। संथाल जनजाति के जनक कौन है, तो लुगू गुरु। संथाल जनजाति के जनक कौन है, लुगू गुरु। मुख्य ग्राम देवता क्या कहलाते हैं, जाहेरेरा। मुख्य ग्राम देवता क्या कहलाते हैं दोस्तों, जाहेरेरा कहलाते हैं। मुख्य जो संथाल जाति में धार्मिक प्रधान होता है क्या कहलाता है, नायके कहलाता है। संथाल जनजाति का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है, नायके कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया सबको, चलिए बहुत अच्छा, समझ में आ गया तो कोई बात नहीं। झारखंड में ये जनजाति सबसे ज्यादा जनसंख्या में है। संथालों की भाषा कौन सी है, संथाली है। कौन सी लिपि है, ओल चिकी लिपि। ओल चिपी की लिपि का आविष्कार कौन किए, रघुनाथ मुर्मू। संथाल जनजाति को कब शामिल किया गया आठवीं अनुसूची में, तो 2003 में 92वां संविधान संशोधन के तहत संथाली जनजाति को 2003 में भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया, किसके अंतर्गत आता है प्रजातीय दृष्टिकोण से, तो प्रोटोस्लाइड के अंतर्गत। किसमें आता है, प्रोटोस्लाइड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए बहुत अच्छा, तो ये रहा आज का सेशन, खत्म करते हैं। संथाल जनजाति भी खत्म हो गया, सामान्य परिचय भी जनजातियों का खत्म हो गया। अगले क्लास में हम लोग उराव के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, सब कुछ जानेंगे, सब कुछ सीखेंगे, ठीक है। बाकी जो चीजें हैं हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस में थोड़ी बहुत चीजें और भी इंक्लूड कर लेंगे, आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया, आज की क्लास अगर आपको पसंद आ गई तो एक बार इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल को करियर फाउंडेशन का जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और जिनको भी करियर फाउंडेशन में जुड़ करके अच्छे से तैयारी करना है, कंप्लीट तैयारी करनी है, तो 11 जेपीएससी का बैच लॉन्च हो चुका है। पीटी के लिए भी, मेंस के लिए भी साथ में तैयारी शुरू हो गया है, तो पीटी और मेंस की दोनों के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जेएसएससी सीजीएल का ऑलरेडी बैच चल रहा है। कोई ऐसे हमारे मित्र हैं जो केवल हमसे झारखंड जीएस कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, झारखंड इतिहास, झारखंड भूगोल, झारखंड झारखंड का जो पॉलिटी है, झारखंड की कला संस्कृति है, झारखंड का जनजातीय विद्रोह है, वो कंप्लीट जेपीएससी सिलेबस, जेएसएससी सिलेबस कंप्लीट मिलेगा झारखंड जीएस का, तो वो आप करियर फाउंडेशन ऐप में जाकर के परचेज कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे आपको वीडियो लेक्चर के साथ पूरा नोट्स भी हमारा उपलब्ध हो जाएगा अच्छे से, ठीक है दोस्तों। तो आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। ये वाला चैप्टर YouTube पे फ्री चल रहा है, ऐप वालों को भी इसी से पढ़ना है,
क्योंकि हमको सिलेबस भी जल्दी से खत्म करना है। यूट्यूब वाले भी हमारे मित्र हमारे हमेशा मैसेज करते रहते हैं, सर क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं, तो हमें ये वाला चैप्टर दोनों को देना है, ऐप वालों को भी देना है और यूट्यूब वालों को भी देना है। बाकी पूरा चैप्टर हमारे ऐप पे धीरे धीरे अवेलेबल हो रहा है, मैक्सिमम चीजें खत्म हो गई है, दो तीन चैप्टर बड़ा बड़ा मतलब मध्यम मध्यम दो तीन चैप्टर बचा हुआ है जो 15 से 20 क्लास में हम खत्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गुड नाइट सभी को। किसी भी तरह की जानकारी और डेमो क्लास के लिए आप हमारे ऑफिशियल नंबर में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 11 JPSC से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, बैच ज्वाइन करने से संबंधित, तो हमारा ऑफिशियल नंबर 7070802888 पर आप कॉन्टेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जहां पर 11 JPSC का PT का बैच चल रहा है, मेंस का बैच भी शुरू हो गया है, क्लासेस शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो देर मत करें, जल्द से जल्द ज्वाइन करें करियर फाउंडेशन को और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें, मेहनत करें और इस बार अधिकारी बनने की आपकी ही बारी है, देर मत करें। ठीक है, बाद में ऐसा ना लगे, पछतावा ना हो कि सर थोड़ा देर हो गया है ना, पिछले बार बहुत सारे लोग इसी कारण से मिस हो गए थे। ठीक है, चलिए जी। अरे हड़िया भी बोलते हैं, पचोई भी बोलते हैं, सीताराम उराव हड़िया को ही पचोई बोला जाता है। ठीक है, हड़िया नहीं बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है, हड़िया को ही क्या बोलते हैं, पचोई बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो सर सर का क्लास है अजय सर का, तो मुझे भी अब जाना होगा, टाइम ओवर हो गया है, 10 मिनट मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, करियर फाउंडेशन ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, चलिए प्राइज वाइज सब वहीं पता चल जाएगा, अभी मत पूछिए। थैंक यू सो मच।